अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है आम की चटनी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। आप इसे दाल चावल के साथ खाएं या फिर इसे रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मजे की लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ आम लिया और एक प्याज, दोनों को हमने छील लिया है। अब इसे हम रफली चॉप कर लेंगे, आम को काट लेंगे और आम के हम इस तरह छोटे छोटे पीस कर लेंगे ताकि ये पीसने में आसानी रहे। अब ये प्याज को भी काट लेंगे। तो ये दोनों चीजों को हमने काट लिया है। अब एक जार लेंगे और जार में हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना। पुदीने को हमने धो लिया है। इसमें डालेंगे हम प्याज और ये कच्चा आम। 5 से 6 साबुत लाल मिर्च लेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास में कुटी हुई लाल मिर्च हो तो वो ले लें। तो मिर्च को हम इस तरह तोड़कर डालेंगे ताकि अच्छे से पिस जाए। 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सफेद नमक। अब इसे हम पीस लेंगे। तो चटनी को हम यहाँ बहुत बारीक भी नहीं पीसेंगे, इसे थोड़ा सा दरदरा रहने देंगे। जब हम इसे खाएं तो इसमें आम के और प्याज के पीस जब मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेते हैं। चटनी को हमने पीस लिया है, ये देखिए चटनी हमने थोड़ी सी दरदरी ही रखी है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो लीजिए, आम और प्याज की चटनी बनकर तैयार है। आप इसे दाल चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मजे की बनी है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।